एक बात बताइए, अभी आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं, तो उससे क्या मतलब निकालते हैं? देखिए, आज की डेट में दलितों को ये इनके ना अविनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आज की डेट में ये जितने भी मनुवादी हैं आज ये बौखला गए हैं, और इसलिए एक तो सच तो बोल रहे हैं लेकिन ये दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई ये दाव चल दें, लेकिन ये दाव उल्टा है कि इस वजह से उल्टा है कि वो तो ऑलरेडी आदिवासी थे ही, जो इन्होंने राम रावण युद्ध हुआ, वैसे हम उसमें जाते नहीं हैं, राम रावण जो युद्ध हुआ उसमें राम लक्ष्मण और सीता उसके विश्वामित्र के अलावा तीस चौथा कोई भी आर्य योद्धा नहीं है, उधर लड़ने वाले भी आदिवासी थे और इधर जो इनकी सेना में थे इन्होंने गुमराह करके उन सुग्रीव वगैरह जामवंत जितने भी थे सब आदिवासी, तो इन्होंने झूठ नहीं कहा, कहा तो सच है मगर वो हैं दलित हैं आदिवासी हैं, लेकिन आज हमेशा से इन्होंने हनुमान का अपमान किया, अपने पैरों में रखा है, मगर आज इन्होंने खुल के बोल दिया, इन्होंने सोचा दलित वोट इनको मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, मगर वो उल्टा ही हो गया, बोला तो सच है लेकिन हमें हनुमान, जब विभीषण नहीं चाहिए तो हमें हनुमान भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुलाम भी बहुत खतरनाक होता है और विभीषण भी बहुत खतरनाक होता है, तो इसीलिए ये इनका इनके खिलाफ ही जाएगा, ये दलित समाज बहुत पढ़ा लिखा सभ्य है, इनको पता है कि अब हालात क्या हो गए हैं और कौन सी राजनीतिक उसमें तीर चला रहे हैं, जैसे अयोध्या में अभी हुआ, बैरंग लौट करके आए अनुसूचित जाति, पहली बार उसके नौजवान उसके लोग बहुत कम हालात में गए, और जबकि एक तरफ शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद अपना मोर्चा जमाई थी वहाँ पर अयोध्या में, वो फेल हो गए, भागे वहाँ से उल्टे पैर, और दूसरी तरफ वहीं पर पास में आरएसएस और बीजेपी, उन्होंने भी अपना मूवमेंट मोर्चा संभाला हुआ था, ये चारों ही बैरंग लौटे, इनको लग रहा था 1992 का मूवमेंट चलेगा मगर नहीं चल पाया, और दलित समाज को अब ये रिवोल्ट करने के चक्कर में, दोबारा अपने और आकर्षित करने के चक्कर में ये बयान दे बैठे, ये इनके लिए और घातक होगा। अशोक जी, एक बात बताइए, जहाँ शूद्रों का बहुत सारे मंदिरों में, शूद्रों का मंदिरों में जाना मना होता है, तो जब शूद्र हनुमान जी हैं तो उनकी मूर्ति को निकाल के बाहर क्यों नहीं रख देते? नहीं देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, ये मनुवादी इतने खूंखार इतने खतरनाक हैं क्योंकि ये दिमाग से काम लेते हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ी, जब इन्होंने लगा कि शिव को इस देश के मूल नागरिक उसको नहीं हरा सकते, तो इन्होंने अपनी बेटी भेज करके वहाँ पर उनके साथ संबंध बना करके और उनको दूसरे मूल निवासियों के साथ लड़ने के साथ अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया, उधर संबर को जब इन्होंने दैत्यराज संबर को हराया तो इन्होंने बृंदा नाम की अपनी महिला को भेजा, 40 साल के युद्ध हुआ और वो नहीं हरा सके संबर को, दैत्यराज मूल नागरिक को, तो उन्होंने वृंदा नामक अपनी लड़की भेज दी और उसके बाद उनको परास्त कर पाए। उसी तरीके से ये जिसको भी देखते हैं, जो मूल निवासी इनके ऊपर ताकतवर हो रहा है, ये उसको अपने में मिला लेते हैं या फिर उसको ख़त्म कर देते हैं या अपने में मिला लेते हैं, तो ये इनका साजिश है। और शूद्र हनुमान क्योंकि राम से जुड़ा हुआ पक्ष है, आज तक ये पैसा कमाते रहे उसके नाम पर, लेकिन आज लग रहा है कि राजनीतिक रूप से भी हनुमान काम आ सकते हैं, तो इसलिए उसको भी ये आज वो उसके लिए काम में लाने लग गए, क्योंकि राम कैबट, जहाँ एक तरफ कैबट और हनुमान सुग्रीव जामवंत ये तमाम वो लोग थे, नल नील उस समय के बड़े आर्किटेक्ट वहाँ वो थे, इंजीनियर थे जिन्होंने पुल वगैरह बनाया, और ये कह रहे हैं कि राम का नाम लिख करके डाल दिया, तमाम आदिवासियों ने ही आपस में लड़वा के, ये इतने खतरनाक हैं कि भाई भाई को लड़वा करके ये आपस में अपना राज कायम रखते हैं, तो इनके ये कहाँ सोचते हैं, किस लेवल तक स्तर तक सोचते हैं, हमें अब वही लेवल अपना स्थापित करना पड़ेगा। और अब सवाल ये है कि अब लोग जाना ही बंद कर देंगे तो चाहे हनुमान हो चाहे राम हो, वो अपने आप ही उनका काम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब जो नौजवान आ रहा है अनुसूचित जाति जनजाति में, जो नया नौजवान पढ़ा लिखा आ रहा है वो बिल्कुल समझ रहा है और भीम की तरफ बुद्ध की तरफ जा रहा है, ना कि अब इन मनुवादियों के, इनके चाहे वो हनुमान भी क्यों ना हो, अब हनुमान से हमारा कोई लेने देना नहीं है, इन्हीं के हैं हनुमान भैया, अपने चरणों में रखो, हमें ऐसा गुलाम भी नहीं चाहिए और हमें विभीषण भी नहीं चाहिए। अशोक जी, एक बात और बताइए, आज पूरे देश के अंदर राम मंदिर की जय जयकार चल रही है, सारे हिंदूवादी जो संगठन हैं राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में कूच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका स्टेटमेंट होता है, जो भी कोई छोटे मोटे स्टेटमेंट नहीं होते, उत्तर प्रदेश के CM साहब बोलते हैं आदित्यनाथ योगी साहब कि हनुमान दलित है, और फिर हनुमान दलित है तो इससे इन सब चीज़ों से क्या मायने निकाले जाएं, वो बताएं। देखिए सर, एक तरफ आप मंदिर बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रिय भक्त, राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और उनको आप दलित
तो शूद्र कह के उसको क्या कहना चाहते हैं वो बताएं इसके बारे में। देखिए सर, देखिए आप इस बात को समझिए कि अब खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे, इन्होंने ये किए क्योंकि 4.5 साल इन्होंने काम नहीं किया। अब इन्होंने किए ये पासा फेंका था जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी मंदिर मस्जिद का पेंडिंग है, फरवरी में डेट है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और जब तक आचार संहिता लग जाएगी तो ये बौखलाए हुए थे। इन्होंने कहा एक मौका देखें कि इसको राम मंदिर का ये शोशा छोड़ करके। अब वहाँ पर लोग नहीं गए क्योंकि जो वहाँ पर राम मंदिर में जो पहले जाते थे वो सब अनुसूचित जाति दलित वर्ग के लोग थे, नौजवान थे जो वहाँ जा रहे थे, और ओबीसी के जो लोग थे, जो शूद्र हैं ओबीसी के लोग शूद्र हैं, और हमारे जो दलित हैं वो तो अवर्ण है, वो तो वर्ण में भी नहीं है, वो तो शूद्र भी नहीं है, वो तो उससे भी बाहर हैं। तो यही तमाम लोग जा रहे थे हिंदू बन करके, उनको उस समय समझ नहीं थी। 26 साल पहले 1992 में तब ये हो गया, लेकिन अब जो 26 साल में एजुकेशन ली है नौजवान ने, नए नौजवान जो आ रहे हैं, पढ़े लिखा तबका आ रहा है, सोशल मीडिया हो गया, दुनिया से जुड़ गए, आज उनको शिक्षा रोजगार चाहिए, बेहतर जीवन चाहिए, आज राम श्याम और ये सब मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए उनको, तो आज वो नौजवान नहीं जा रहा किसी भी हालत में। तो ये बौखला गया और अब जा करके ये इन्होंने किसी द्वेष में नहीं बोला है, अब इन्होंने बोली तो सच्चाई है, लेकिन दलित नौजवानों को, क्योंकि हनुमान से जो नौजवान तबका और जो कसरत करने वाले नौजवान खासतौर पर जुड़े होते हैं, तो उन्होंने दलित कह के उस तबके को जोड़ने की अपने साथ साजिश की है, जो कि वो भी नाकाम हो रही है, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि अब भैया इतने साल तक तो तुम उसको मौज लूटते रहे, अब जब वो हनुमान जी भी किसी काम के नहीं बचे तो हमें दे दो भैया, तो अब हम तुम्हारी जूठन लेने वाले नहीं किसी हालत में, चाहे हनुमान जी हों चाहे कोई और चीज़ हो, अब हम खुद इस सक्षम हैं, भीम ने जो हमें अधिकार दिए हैं, बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया, अब हम उससे इतने ताकतवर हो चुके हैं, अब तुम्हारी साजिशों को हम पर्दाफाश करके पहले ही हम उसको काउंटर करेंगे और अब तुम्हें इस देश से भी भगाएंगे और इस सत्ता को भी हम हथियाएंगे। अशोक जी, आपने बोला कि ये इनका दूसरा दाव है, तो अभी इन्होंने राम मंदिर भी नहीं बना पाए, कहाँ से लगता है कि 2019 के अंदर दोबारा सरकार बीजेपी की बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? देखिए, उसी वजह से इनको पता चल गया है कि पिछले एक साल से जो सर्वे आ रहे हैं, इंटरनल सर्वे आ रहे हैं, पिछले एक साल से जो महंगाई भयंकर बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो दलितों पर हमले हुए हैं, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हुए हैं, और जो इनके प्रवक्ता और मीडिया जो वहाँ पर बैठ करके एक धर्म का जहर बोने की इस देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद इनको पता चल गया है कि इस देश का जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। इसीलिए इन्होंने भावनाओं को, क्योंकि देश जो है भारत, ये अध्यात्म का देश है, यहाँ पर लोग अध्यात्म से बहुत प्यार करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनकी भावनाओं को कुरेदने के लिए इन्होंने ये चाल चली। लेकिन ये भूल गए कि पिछले जो 15-20 साल में जो बहुजन मूवमेंट चली है, जो आंदोलन चले हैं बहुजनों के, अनुसूचित जातियों के, और प्रोग्रेसिव लोग जो यहाँ पर मैदान में कूदे हैं, उन्होंने जगह जगह जो ये अवेयरनेस फैलाई है अपने समाज में, तो बुद्ध और बाबा साहब से जो जोड़ा है उससे एकदम से रिवोल्ट हुआ है। ये बौखलाए हुए हैं, अब इनको समझ नहीं आ रहा है, और मुस्लिम भी समझ चुके हैं। अभी तक मुस्लिम को उन्होंने बिल्कुल इसको संयम से लिया है और बिल्कुल शांत हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो दलित वर्ग है इनके साथ नहीं है, ओबीसी का भी बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ कट चुका है, तो अब ये मुस्लिम समाज है वो भी बिल्कुल संयम से बैठा है, बिल्कुल वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। और अब ये जितने मर्जी चिल्लाते रहें, अब मीडिया पर बैठ के, मतलब मीडिया चैनल, नेशनल चैनल पर बैठ के इनके जो प्रवक्ता हैं, शुक्ला जैसे प्रवक्ता चोटीधारी, वो तू तड़ाक बदतमी से कर रही है, और मीडिया की एंकर वो वहाँ बैठी है मुँह को सील करके, वहाँ पर बैठ करके मैं देख रहा था परसों चैनल, इतनी बदतमी से पेश आ रहे हैं, ये प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि प्रवोक हों, लेकिन अब ना तो दलित समाज ना मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज बिल्कुल इनके चंगुल में फंसने वाला नहीं है, अब ये पैर पीटते रहेंगे और अब इनका जाना तय है, 2019 में इनका जाना तय है, निश्चित है।